इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, पहले वो जो अपनी तकदीर खुद बनाते हैं और दूसरे वो जो तकदीर से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन बनाते हैं। और ये नामुमकिन सपनों को मुमकिन बनाना सिखाती हैं इनका ये दृढ़ विश्वास। हाँ, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके अंदर उम्मीद है, आत्मविश्वास है, जिनका दिल सबसे पवित्र है और वो जो किसी से कम नहीं। हमारी जो संस्था है, जो भी बच्चों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं, चाहे वो एजुकेशनल है, खाने पीने की हैं, तो हम उन कोशिश ये करते हैं सबको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो उनको प्रोवाइड कराते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट, किसी भी कोई उनसे हम चार्ज वगैरह नहीं लेते हैं। दूसरा ये कि एजुकेशन जो हम देते हैं बच्चों को यहाँ पर, पहली क्लास से लेकर और आठवीं क्लास तक के बच्चे यहीं पर रहते हैं, यहीं पर खाते हैं, यहीं पर अपनी स्टडी करते हैं या जो भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी इंस्टीट्यूशन में करते हैं। उसके अलावा जो बच्चे एट्थ पास करते हैं, वो बच्चे जाते हैं हमारे पास आसपास ही जो लोकल स्कूल्स होते हैं, हम उनमें उनका एडमिशन करा देते हैं। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो है वो रानी झांसी रोड पर एक स्कूल है पहाड़गंज थाने के पास, उसमें जाके वो स्टडी करते हैं 9th to 12th, स्टडी वहाँ पर करते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी उनको यहीं पर दी जाती है। तो ये सारी उनकी रूल है। मैं बच्चों में डिफ्रेंशिएट इसलिए नहीं करता कि मेरे लिए एक ब्लाइंड बच्चा भी उतना इंपॉर्टेंट रखता है और जितना बच्चा एक्साइटेड रखता है, बस केवल उनमें फ़र्क क्या है कि बच्चे को पढ़ाने का मेथड अलग है, स्क्रिप्ट जो है, जितना भी सिलेबस है वो सेम है, कंटेंट सेम है, बुक्स सेम है, सब कुछ सेम है, बस पढ़ाने की विधि डिफरेंस है। भले ही इनकी आंखों में रोशनी ना हो, पर मन में उम्मीदों की रोशनी ज़रूर है, वो रोशनी जो जीवन जीने के लिए और जीवन में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये बच्चे संगीत और कला में ही नहीं, खेल में भी उतने ही सशक्त हैं जितना एक आम इंसान है। अब हम उस महान व्यक्ति की बात करते हैं जिनका जीवन हम जैसे इंसानों को प्रेरणा देती है। उनके जीवन में भी अंधकार है, पर उन्होंने अंधकार का टटकर मुकाबला किया और आज भारत की शान है। अब बचपन मेरा, मैं एक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, छोटे से गांव भैंसवाल कला से, जो कि स्पोर्ट्स में काफ़ी माना जाना गांव है। और मैं भी एक नॉर्मली शैतान बच्चा था, थोड़ी मस्तियाँ करता था जैसे हर कोई करता बचपन में। तो बचपना मेरा ज़्यादा गांव में ही बीता है और उसके बाद मैं फिर दिल्ली आ गया। आपके जीवन में सर वो कौन लोग हैं जिनकी आपकी सफलता में हाथ रहा है? मेरे जीवन में काफ़ी लोग हैं, मेरी फैमिली,
मेरा कोच, मेरा स्टाफ जो मेरे साथ, जो मेरा टर्निंग पॉइंट था वो मेरा कोच है, कि जो कि MS धोनी के भी कोच हैं, MP सिंह, काफ़ी उनने मुझे सपोर्ट किया हर जगह। अच्छी जो एक प्लेयर को एक प्रैक्टिस मिलनी चाहिए तो वो मुझे उनने पर्सनली दी, तो आज मैं इस लेवल पे हूँ। आपके साथ सर, मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे कि आपके साथ बचपन में शायद कोई हादसा हुआ था। हाँ, मैं जब 8 साल का था तो मुझे दीपावली पे रॉकेट लग गया था इसमें, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लमें हुई थी, जो कि मैं नॉर्मल क्रिकेट जैसे गांव में खेल रहा था, उसके बाद मैं जज नहीं कर पा रहा था, वो खेल नहीं पा रहा था कि मैं कैसे करूँगा, तो काफ़ी टूट सा गया था मैं। उसके बावजूद मैं फिर मतलब थोड़ा हट के रहने लग गया था फैमिली से, दोस्तों से, पर जब दिल्ली आया तो फिर मुझे जब देखा कि मैंने क्रिकेट में खेल सकता हूँ, मेरे में है वो अभी जान, तब थोड़ी सी जो अंदर का टूटा हुआ वो था वो वापस मुझे स्ट्रॉन्ग हो गया मैं उन चीज़ों को।